भारत में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। देश के लाखों छात्रों से जुड़ी हुई एक खबर है। अब सभी को बताएं, 10वीं बारी बोर्ड परीक्षा 2022 को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज एक बड़ी व अहम घोषणा करते ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि 10वीं बारी बोर्ड परीक्षा का पेपर बिल्कुल ऐसा बनने वाला है। जी आप सभी के लिए बेहद बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री ने की आज एक बड़ी व अहम घोषणा। दोस्तों आप सभी को बताएं कि 10वीं बारी बोर्ड परीक्षा में एग्जाम सेंटर से घुसने से पहले हर एक छात्र छात्राओं को जान लेना होगा यह नियम, अन्यथा आप सभी के काटे जाएंगे 10%। जी आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाला आखिरकार इस बार 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों में कितने परसेंट छात्र छात्राओं को किया जाएगा पास, कितने परसेंट छात्र छात्राएं होंगे फेल। इसी के साथ आप सभी को यह भी पता चलने वाला है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार आप सभी को पेपर देना होगा, वह इस बार कितने एक सेंटर में कितने विद्यार्थी आएंगे, वह आप सभी का रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएगा, आपकी कॉपियां किस प्रकार जांची जाएंगी, आप सभी को संपूर्ण जानकारी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो तुरंत चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आप तक की हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहें। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को यह भी बताने वाले हैं कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में आप कैसे टॉप कर सकते हैं। जी हां, पूरी जानकारी आप सभी को विस्तार से इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, आप सभी को बताते हैं आज के मुख्य अपडेट। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मुख्य अपडेट बता दें कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अगर आप एग्जाम सेंटर में आप प्रवेश करते हैं जब, तो आपको स्कूल में घुसने से पहले यानी एग्जाम सेंटर में घुसने से पहले, एग्जाम सेंटर से निकलने के पहले आप सभी के चेहरे पे मास्क होना चाहिए, आपके आपको हर बार सैनिटाइज करना अपने आप को, वह किसी भी छात्र छात्राएं से आपको मिलना नहीं, ना बोलना है ना स्कूल के अंदर ना स्कूल के बाहर। जी अगर ऐसा करते हुए आपको देखा जाता है तो आप सभी के 10% नंबर काट दिए जाएंगे, क्योंकि आप सभी को बताएं WHO ने भारत देश को कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका जता दी, हाईलाइट जारी कर दिया। इस वजह से सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है क्योंकि बोर्ड परीक्षा कराना बेहद अनिवार्य है और ऑनलाइन बेस पे बोर्ड परीक्षाएं नहीं कराई जा सकती क्योंकि छात्र छात्राओं के पास, सभी छात्र छात्राओं के पास ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं। इस वजह से यह निर्णय लिया गया है कि आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं वो ऑफलाइन ही ली जाएंगी। तो यह दिमाग से आप भ्रम निकाल लीजिए कि आपके कहीं कोरोना वायरस आ जाए, आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाए, तो इस प्रकार बिल्कुल नहीं रही है। दोस्तों आप सभी को आप सभी की बोर्ड परीक्षाएं जो है 8 मार्च 2022 से प्रारंभ कराकर आप सभी की परीक्षाएं जो है 3 अप्रैल तक संपन्न करा ली जाएंगी। आप सभी छात्र छात्राओं के लिए बेहद बड़ी व मुख्य अपडेट बता रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ उत्तर प्रदेश व पंजाब में व अन्य 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, जहां जहां पर विधानसभा के चुनाव होने वहां वहां पर विधानसभा चुनाव के बाद 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को कराया जाएगा। दोस्तों क्या सभी राज्यों में यानी सभी बोर्डों में एक साथ बोर्ड परीक्षा के चुनाव बोर्ड परीक्षा को कराना चाहिए या फिर विधानसभा चुनाव के बाद कराना चाहिए या फिर सभी को सभी जगह पर विधानसभा चुनाव के पहले ही करा लेना चाहिए? क्योंकि अगर बताएं अगर विधानसभा चुनाव के पहले अगर एग्जाम को कराया जाएगा तो छात्र छात्राओं को बिल्कुल भी तैयारियों का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अभी कहीं कहीं पर हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो कहीं कहीं में दिसंबर से स्टार्ट होने वाले, अगर दिसंबर में स्टार्ट होंगे तो 10 से 15 दिन आपके हाफ ईयरली एग्जाम चलेंगे, इसके बाद आपके 3 जनवरी से आपकी प्री बोर्ड परीक्षा होंगी 3 से 10 जनवरी के बीच में, इसके बाद आपके तुरंत प्रैक्टिकल होकर फिर आप सभी का बोर्ड परीक्षा कैसे कराया जाए तो इसमें थोड़ा असमंजस हो सकता है, छात्र छात्राओं को थोड़े लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी फरवरी मार्च के बीच होते हैं, इस वजह से वहां पर विधानसभा चुनाव के बाद ही परीक्षाएं कराई जाएंगी।